रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने खिमतौली में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी है। इस दौरान ग्रामीणों ने 25 शिकायतें सामने रखी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने समस्याओं के जल्द निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं मयूर दीक्षित ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत गाँव में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी ग्रामीणों को होनी आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर ग्रामीणों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन तत्पर है। रुद्रप्रयाग से संवाददाता सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। राज्य सरकार की योजना भी है कि हम लोग गांव गांव जाकर लोगों की समस्या सुने, उसका निस्तारण करें, और इसी क्रम में हमने आज ये डिसाइड किया था कि जो हमारे जिले के करीबन 75 ऐसे अधिकारी हैं वो आज ही के दिन 75 अलग अलग गांव में जाएंगे और वहां रात्रि विश्राम करेंगे, समस्याओं का निराकरण करेंगे और विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण भी करके मुझे रिपोर्ट देंगे।